हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने कॉस्मेटिक्स को किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं विदाउट ड्रेसिंग टेबल। अगर आप लोगों के पास भी ड्रेसिंग टेबल नहीं है तो आप इस तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं। मैंने अपने कबर्ड में ही अरेंज किया है। आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर 2 कंपार्टमेंट्स हैं जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें अरेंज की हैं। ये देखिए, ये कोई ऑर्गेनाइज़र नहीं है, ये एक बॉक्स है जो कि मेरे घर में किसी सामान में आया था और मैंने इसको यूज़ करके इसको फेंका नहीं है। इसका मैंने यूज़ कॉम रखने के लिए कर लिया है। और यहाँ पे मैंने सारी बैंगल्स की डिब्बियाँ रखी हैं जो कि कांच की चूड़ियाँ हैं, ताकि हम लोग रोज़ चेंज भी नहीं करते हैं। मैंने इनको यहाँ पीछे रखा है और यहाँ पर सेफ भी रखी है, गिरेंगी भी नहीं। इसी के ऊपर यहाँ पर मेरी और भी फैंसी बैंगल्स हैं, उनकी मैंने डिब्बी यहाँ पर रखी हुई हैं। और यहाँ पर ही आप इसके साथ में देखेंगे, यहाँ पे मेरे कुछ टेलकम पाउडर्स हैं। ये सारे पाउडर्स मैंने यहाँ पे रखे हैं, पॉन्ड्स के वाइट टोन पाउडर, जो कि यूजली ज़्यादा जो यूज़ होते हैं वो चीज़ें मैंने आगे रखी हैं, और जो चीज़ें बहुत कम यूज़ होती हैं उनको मैंने पीछे रखा हुआ है। जैसे कि मेरा यहाँ पे मेकअप रिमूवर है गार्नियर का, ये भी मैंने डेली यूज़ नहीं होता है, कभी कभी यूज़ होता है तो मैंने इसको पीछे रखा हुआ है। एक ग्लिसरीन है, आजकल सर्दियाँ चल रही है तो ग्लिसरीन का यूज़ होता ही रहता है। और यहाँ पर आप ये देखेंगे, छोटी सी जो ट्रे है, ये कोई ऑर्गेनाइज़र मैंने कहीं से ख़रीदा नहीं है, ये भी मेरे घर में मेरे लंच बॉक्स की एक था डिब्बी, इसका ढक्कन टूट गया था तो मैंने इसका यूज़ यहाँ पे कर लिया है। वैसे तो ये फेंक ही जाता, ये वेस्ट हो जाता, लेकिन मैंने इसका रीयूज़ कर लिया है। इसमें मैंने अपनी ये चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखी हैं। ये देखें, इसमें मेरे कुछ डियो हैं और कुछ परफ्यूम हैं, और ये क्लिनजिंग मिल्क है लैकमे का, ये रोज़ वाटर है, ये मैंने इसमें अरेंज करके रख दिया है। यहीं पर साथ में मैंने ये अपने आईब्रो ये है आई शेडो, जो कि पार्टी वेयर है, मतलब कि बहुत ही फैंसी है। और साथ में मैंने यहाँ पे रखा हुआ ये मेरी मेकअप किट है, ये मैंने यहाँ पे अरेंज किया। ये भी मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, जब मुझे कहीं पार्टी में जाना होता है, जब मैं थोड़ा मेकअप यूज़ करती हूँ तब भी मैं इसका यूज़ करती हूँ। तो मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है, फर्स्ट रो मैंने इस तरीके से अरेंज किया है। और नीचे मैंने सेल्फ है ये न्यूज़पेपर बिछा दिया है, ताकि कोई भी कलरफुल चीज़ या कुछ भी गिरे तो वो नीचे डायरेक्टली ना आ जाए, ताकि वो इसी पर रहे और ये चेंज होता रहता है। तो इस तरीके से मैंने ये अरेंज करी है। इसके नीचे वाला कंपार्टमेंट मैंने किस तरीके से अरेंज किया है वो मैं आप लोगों को शो कर देती हूँ एक बार दूर से। इस तरीके से मैं ज़्यादा ऑर्गेनाइज़र ख़रीदती नहीं हूँ, मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ जो घर में ही चीज़ें हमारे पास होती हैं अवेलेबल, हम उनको फेंके ना, उन्हीं का ही यूज़ करें। जैसे कि ये कप है, ये ख़राब हो गया है मेरा कॉफ़ी कप, और मैंने इसका यूज़ ये सारी लिप पेंसिल लाइनर और मस्कारा रखने के लिए यूज़ किया है। ये जो ऑर्गेनाइज़र है ये मैंने 20 रुपीज़ का लिया था लोकल मार्केट से। तो इसमें मैंने अपने सारे लिप कलर्स रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, इसमें ईजीली अरेंज रहते हैं, मुझे इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये जो ऑर्गेनाइज़र है ये भी मैंने कहीं से ख़रीदा नहीं है, ये किसी मिठाई के उसमें बॉक्स में आया था तो मैंने इसका यूज़ यहाँ किया है। यहाँ पर मेरे सारे नेल पेंट्स रखे हैं और नेल रिमूवर भी मैं यहीं पर रखती हूँ। अभी इसी के साथ में मेरा एक और ऑर्गेनाइज़र रखा है, ये ऑर्गेनाइज़र सिर्फ 20 रुपीज़ का है, जो कि मुझे यहाँ के लोकल मार्केट से मिला था। और इसके जो ऊपर वाले शेल्फ है इसमें मैंने सारे ऑयल्स रखे हुए हैं अपने, ये सारे ऑयल्स मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, क्योंकि इसमें साइज़ का कोई दिक्कत नहीं है, तो कितनी भी बड़ी बोटल्स आप यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। इसके नीचे वाले कंपार्टमेंट में मैंने अपनी बीबी क्रीम, सीसी क्रीम और फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट पाउडर, ये सारे मैंने रखा हुआ है। इसी के दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस था तो मैंने यहाँ पे अपनी मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक और ये पतंजलि का एलोवेरा जेल है जो कि मैंने रखा हुआ है। तो इस जेल का यूज़ मैं डेली करती हूँ तो इसको मैंने थोड़ा आगे रखा है। यहाँ पर एक और बॉक्स है, ये भी ऐसे ही घर में किसी काम में आया था और इसका कोई यूज़ नहीं था तो मैंने इसमें सारे क्लेचर्स और पेंस रखी हुई हैं, ताकि कहीं ढूंढना ना पड़े, एक ही जगह रखे रहें। और ये भी एक ट्रे थी, इसमें मैंने अपने सारे पेंट्स रखे हुए हैं। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है अपने कॉस्मेटिक को। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।